आज कुछ सीरियस चीजों पे बात करना चाहता हूँ। पहली चीज कि हम किसी भी चीज में 100% देना नहीं सीखते। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सीधा प्रॉब्लम के ऊपर आ रहा हूं आज। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग हर चीज में एक ट्राई मारते हैं कि हाँ जी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है एग्जाम है, हमने पढ़ाई करनी है, चलो एग्जाम से पिछले दिन ट्राई मार लेंगे। 100% नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। 6 महीने का कोर्स है, 1 साल का आपका ईयर है, पूरा साल कभी भी ट्राई नहीं करेंगे। हाँ जी 2 दिन पहले 5 दिन पहले चलो एक ट्राई मार लेंगे। गॉसिप्स, गप्पे मारते हैं आपस में, ठीक है उसमें पूरी ट्राई देते हैं। लेकिन अगर बातें करने में ही निपुण बनना है, बातें करने में परफेक्ट बनना है, तो ऐसे परफेक्ट बनो कि लोग आपको स्टेज पे जाके सुनने को तरस जाए। ना कि आपस दोस्तों में बात की, आपस में बात की, दो दोस्तों में बात की, स्टेज पे जाके बोलने की हिम्मत तक नहीं। उन बातें करने का कोई फायदा नहीं। आप चाहे कितनी अच्छी स्टोरी सुनाते हो, जब तक आप स्टेज पे जाके ऐसे स्टोरीज ना सुनाओ कि लोग चाहें कि अगली बार यार इस इंसान से मुझे सुनना है, ये इंसान स्टेज पे जाएगा तो मैं पक्का जाऊंगा, जब तक वैसे नहीं बोलोगे कोई फायदा नहीं बातें करने का, कोई फायदा नहीं गप्पे मारने का। अगर जॉब करना है, वांट टू जॉब, मैक्सिमम लोग जो इंडिया में जॉब करते हैं ना, उनमें से हर जगह पे, आई एम नॉट सेइंग अबाउट इंडिया, आई एम सेइंग अबाउट एवरी कंट्री, जहां पे भी जॉब करते हैं ना, वो लोग बस रो रो के ऑफिस आएंगे, रो रो के ऑफिस से जाएंगे। कभी भी अपना 100% देने का कोशिश ही नहीं किया किसी भी चीज में। मॉम डैड से बातें करना, कभी कभी बैठ के अपने मम्मी पापा से बातें किए, मैं करता हूँ जब भी घर जाता हूँ, कभी बैठ के उनकी बातें सुनी है? नहीं। हमेशा खुद के लिए, जब आप घर पे होंगे तो फोन पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन कभी भी वो करने की कोशिश नहीं की जो चीजें इंपॉर्टेंट है। 100% दिया कभी मॉम डैड से बात करने के लिए, सिर्फ हूं बस वही चीजें करते करते उनकी सारी बातें इग्नोर कर दी। कभी भी बिजनेस करना है, 100% देते ही नहीं साहब, कितना 12-13 घंटे एक दिन बिजनेस में देना पड़ता है, देते क्या? नहीं, 4-5-8-9 घंटे दिए, उसके बाद बोला यार मोर देन इनफ, आई एम डूइंग द जॉब। लाइक मैन, नोबडी कैन बी सक्सीड इन एनीथिंग विदाउट गिविंग 100%। आप 100% दिए बिना किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो सकते, ये चीज मुझसे आज लिख के ले लीजिए। जिन भी लोगों ने 100% दिया है उनको आज आप लोग याद करते हैं। उनके पास होप नहीं थी कि वो लोग सच में वो चीज कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने 100% दिया। हम ना तो एजुकेशन में 100% दे पा रहे, अपना यूथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूथ टुडे, ना तो एजुकेशन में 100% दे पा रहे, ना ही बातें करने में 100% दे पा रहे कि हम बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएं, ना ही हम मॉम डैड के साथ रिलेशनशिप रखने में 100% बन पा रहे, किसी के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करने में नहीं 100%, दोस्तों के साथ लड़ाई हो रही है साहब, अपने आपस में भाई बहनों के बीच में लड़ाई हो रही है, 100% नहीं दे पा रहे वहां पे भी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर 100% दे पा रहे। जॉब करना स्टार्ट किया, 2-3 महीने के बाद फ्रस्ट्रेट हो गए, 100% देने की कोशिश ही नहीं की। कोई भी चीज स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग होती है, बीच में उसका टाइम हमेशा बोरिंग वाला फेज है, वो बोरिंग वाला फेज तैयार, अब वो बोरिंग वाला फेज फेस करने के लिए तैयार नहीं है। हमेशा चाहते हैं चीजें जल्दी मिल जाए, हमेशा चाहते हैं हम 10% दें और चीजें मिल जाए, पढ़ेंगे 10 घंटे और सोचेंगे मुझे 100 नंबर मिल जाए। साहब वो लोग पागल नहीं जो 6 महीने से पढ़ रहे हैं, ठीक है जो 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात, वो लोग पागल नहीं चाहते हैं 3 महीने में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूं किसी इंस्टीट्यूट में जाके और उसके बाद मेरा टेस्ट क्लियर हो जाए। साहब 3 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से, लेकिन अभी तक भी वो 3 या 4 मार्क्स से छूट रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग ओवर एक्सपेक्टेशन करते हो, ओवर एक्सपेक्टेशन तो आप करते हो, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन की जगह ज्यादा गोल्स लेने चाहिए लाइफ में। एक्सपेक्टेशंस रखो खुद से, अच्छी बात है, लेकिन एक गोल्स के साथ रखो कि मैं 2 में जो रियलिस्टिक गोल है, ना कि 1 साल के अंदर मैं बिलियनियर बन जाऊंगा। No man, there are only 5,000 billionaires in the whole world. एक साल के अंदर नहीं बन सकते। एक realistic goal रखो, expectation रखना अच्छी बात है, लेकिन वो भी तब रखो जब आप अपना 100% दे रहे हो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, पढ़ेंगे सिर्फ 1 दिन या 2 दिन, उसके बाद एग्जाम ऐसा सोच के जाता है कि हम सारा कुछ कर देंगे। मतलब एग्जाम डालने वाला सब पिछले 20 सालों से एग्जाम डाल रहा है, उसको पता है कि मुझे कैसे सब लोगों को कवर करना है। तो जब भी आप कोई भी चीज करते हो सब, Give your 100%। कभी भी ये मत ट्राई करो कि मैं 20 दूंगा, 30 दूंगा, मैक्सिमम लोग तो 50 तक पहुंच के फिर छोड़ देते हैं। कभी भी वो फेस ट्राई ही नहीं किया जहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ है। किस कोई भी चीज करो, मैं ये नहीं बोलता आप वो चीज करो जिसमें ग्रोथ है, हर सेक्टर में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। सिर्फ एक चीज सीख लीजिए साहब, 100% देना। अगर आपने बिजनेस में 100% दिया, आप डेफिनेटली आज नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे, आई एम टॉकिंग अबाउट
5-6 years after now. अगर आपने आज से करना शुरू किया 5 या 6 साल के बाद आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे. बोलने में ट्राई किया तो ऐसे बोलिए साहब कि लोग तरसें आपको सुनने के लिए. जब भी आप बोलना शुरू करो ऐसे बोलना शुरू कीजिए. अगर ऐसा करना शुरू करोगे 1 या 2 साल में कुछ नहीं होने वाला, 5 या 6 साल दीजिए बोलने को भी, तो उसके बाद देखिएगा लोग तरसेंगे सच में आपकी बातें सुनने के लिए, आपसे मिलने के लिए. स्टार्डम आपका इतना स्टार्डम होगा कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे. लेकिन वो तभी होगा अगर आप 100% दोगे. जॉब करना है तो ऐसे करिए कि आपका जो बॉस है वो सोचे कि ये इंप्लॉय चला गया तो मेरी कंपनी बंद हो सकती है. इस तरीके से जॉब कीजिए, 100% दीजिए जॉब करने में, ना कि सिर्फ अपना टाइम स्पेंड कीजिए वहां पे 7 या 8 आवर्स जाके. वो आप बॉस को धोखा नहीं दे रहे, आप खुद को धोखा दे रहे हो. अपने साथ वो आदत पाल रहे हो जो शायद आपको आगे आने वाले फ्यूचर में भी बहुत प्रॉब्लम देने वाली है. मॉम डैड के साथ बैठते हो साहब 100% दीजिए. वो उनके साथ सिर्फ टाइम पास के लिए मत बैठिए कि हाँ मैं मॉम के घर जा रहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मॉम के साथ बातें करूंगा, पापा के साथ बातें करूंगा, उसके बाद ऐसे. कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, 1% भी फायदा नहीं अगर आप वहां पे जाके 100% नहीं दे रहे हो. ना तो रिलेशंस अच्छे होंगे, ना मॉम डैड के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो. भाई बहनों के साथ बैठते हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, 100% दो, बातें करो, हंसी मजाक करो, ना कि वहां पे जाके व्हाट्सएप या फेसबुक पे ऊपर लगो. कोई फायदा नहीं व्हाट्सएप फेसबुक पे लगने का, कोई 1% भी फायदा नहीं है उस चीज का. वो चीजें करिए जिन पे आपको लगता है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट है, और उन पे 100% दीजिए, ना कि उन चीजों पे 100% दीजिए जो जिनका कोई फायदा नहीं. टीवी देखना, व्हाई डू यू वॉच टीवी मैन, व्हाई? कुछ फायदा है नहीं, बस देखते हैं. उधर 100% देंगे, उधर से उठेंगे नहीं, क्यों? कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, चुपचाप बस टीवी देख रहे. दैट्स इट. डूइंग द एडिक्शंस, टेकिंग द एल्कोहल, स्मोकिंग द सिगरेट, उन पे 100% दीजिएगा, ठीक है? उन पर से करके आप बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाओगे. बुलशिट. हमेशा ट्राई कीजिए कि उन चीजों पे 100% दीजिए जो रियलिटी में आपको हेल्प करेगी सब, ना कि उन चीजों पे दीजिए जो कि आपको कहीं भी हेल्प नहीं करने वाली. 100% देना सीखिए हर चीज में, क्योंकि उसके बिना लाइफ में एक भी चीज में ना तो आप खुश रह पाओगे, ना ही आप सक्सेस हो पाओगे. ये मैं लिख के दे सकता हूँ टू ईच एंड एवरी वन हियर. 100% means give your full dedication to that work. Not only 1% or 2%, give the full dedication to that work. That is all I really want to talk to you today. Please try कीजिए. मुझे पता है 1 या 2 वीडियो बनाने से किसी के भी ये चीजें नहीं क्लियर होगी कि 100% देना. 2 दिन आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद everything is gone, man. लेकिन try कीजिए साहब. अगर 1 या 2 इंसान भी ना 100% देना सीख गए अपनी लाइफ में, तो शायद वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छी बना पाए. और अगर नहीं सीख पाए तो पूरी जिंदगी बहुत लोगों की गुजरती है तड़पते हुए, बहुत लोगों की गुजरती है रिग्रेट करते हुए, बहुत लोगों की गुजरती है बिना किसी पर्पस के. आपकी भी गुजर जाएगी, कोई नहीं पूछेगा, nobody will ask. And बाद में जब लाइफ से जाएंगे तो हमेशा रिग्रेट रह जाएगा कि शायद लाइफ को अच्छे से जी लिया होता, शायद एक काम अच्छे से कर लिया होता तो आज दिन कुछ और होता. सचिन ने भी सिर्फ एक काम अच्छे से किया, और वो एक क्रिकेट खेलना, अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करना. सलमान खान ने एक काम अच्छे से किया, वो है एक्टिंग. हर इंसान जो भी सक्सेसफुल है उसने एक काम में 100% दिया. ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हर काम में 100% दो, एक काम दीजिए और उसमें अपना 100% दीजिए, अदरवाइज लाइफ गोज. बहुत लोग आते हैं दुनिया में हर दिन, बहुत लोग चले जाते हैं, कोई याद नहीं रखता. लेकिन वैसे बनिए जैसे कि APJ अब्दुल कलाम थे, जैसे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. जो आए तब शायद किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन वो जब दुनिया से गए तो सभी लोगों ने नोटिस किया, और सभी लोग रोए भी उनकी याद में. तो वैसे इंसान बनिए साहब, वो आप तभी बन पाओगे क्योंकि उन्होंने भी अपनी किसी एक चीज में जिंदगी में अपना 100% दिया है. और प्लीज ट्राई कीजिए कि आप अपना 100% दो हर एक चीज में जहां पे आपको लगता है कि आपका लाइफ पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा. थैंक्स अ लॉट. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल. अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी प्लीज लाइक इट. थैंक यू.